बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। सागर खयामी का यह मशहूर शेर मौजूदा वक्त में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर मौजू है, क्योंकि इनकी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। राज्यसभा में बीजेपी के आठवें उम्मीदवार ने ऐसा घमासान मचाया कि सपा वोटिंग वाले दिन ही बिखरती नजर आई, जिसकी बेबसी अखिलेश के बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे गई। ये तब की तस्वीरें हैं जब उम्मीदों के दामन ने अखिलेश का साथ छोड़ दिया था। वोट देकर बाहर निकले अखिलेश अभिवादन में हाथ तो हिला रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ नहीं दे रहा था। चेहरे की चमक फीकी दिखाई दे रही थी, इसलिए कैमरे के सामने दिल की बात जुबा पर आ ही गई। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। राज्यसभा की वोटिंग वाले दिन अखिलेश जितनी बार कैमरे के सामने दिखाई दिए उतनी बार ना वो उत्साह नजर आया ना अखिलेश वाला जोश। आता भी कहां से जिनको पार्टी की न्याय व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए और पार्टी के कायदे कानून पर विधायकों को चलाए जाने के लिए मुख्य सचेतक बनाया था, वही मनोज पांडे दगा दे गए। तो अखिलेश दिल का दर्द दिखाएं किसे और छुपाएं किससे। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। खबर है कि राज्यसभा की वोटिंग के दौरान सपा के ही 8 विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर क्रॉस वोटिंग की, लेकिन अखिलेश अंतरात्मा की ही दुहाई देते रहे। जिन पल्लवी पटेल की अंतरात्मा नहीं पहचान पाए वो अखिलेश के साथ खड़ी नजर आईं, यानी सच में अपनों की अंतरात्मा नहीं पढ़ पाए अखिलेश। लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। ठीक ही बोल रहे हैं अखिलेश जी, किसी की अंतरात्मा आप जगा भी कैसे सकते हैं जब सामने वाले ने दगा देने का मन बना लिया हो। इसका आभास और एहसास तो आपको वोटिंग से पहले वाली रात को ही हो गया होगा, जब पार्टी की पार्टी से ही 8 विधायक लापता थे, लेकिन सुबह फिर भी आपने उम्मीदों को जिंदा रखा था, वोटिंग से पहले जीत का बड़ा दावा कर दिया था, इस उम्मीद में कि शायद बिगड़ते बिगड़ते बात बन जाए। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। लेकिन नतीजों ने इन उम्मीदों पर ऐसा ग्रहण लगाया कि आखिरकार अखिलेश को इस ट्वीट के साथ ही सब्र करना पड़ा। इसलिए नतीजों से पहले ही अखिलेश ने लिख दिया, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी, और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है।